बिहार के बाहर फंसे कामगारों और छात्रों को वापस लाने के लिए लगातार राजनीति जारी है। सरकार पर विपक्ष हमला बोल रहा है। ऐसे में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अनशन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा था कि कोरोना बंदी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में ही विरोध प्रदर्शन करें, ना कि सड़कों पर या फिर किसी सार्वजनिक स्थानों पर निकलें। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, बिहार सरकार के पास मात्र 600 बसें हैं, बिहार भर में लगभग 10,000 प्राइवेट बसें हैं। सरकार में इच्छा शक्ति की भारी कमी है। क्या निजी बस संचालकों से सरकार ने इस संबंध में वार्ता की? इससे पहले एक और ट्वीट किया और कहा कि बिहार के ये उप मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ 15 साल से कुर्सी से चिपके हैं। पहले पीएम से मांग करते हैं, फिर कहते हैं हम असमर्थ हैं, असक्षम हैं। हमने आज इन्हें 2,000 बसें दे दी, लेकिन अब कहेंगे कि तेजस्वी यादव ट्रेन चलवा दें, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार नाकारा है। सब काम तेजस्वी और विपक्ष ही करे। आपको बता दें कि बिहार सरकार का कहना है कि उनके पास इतनी बसें नहीं हैं कि सबको लाया जा सके। न्यूज़ डेस्क।